हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट का आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। 7 अगस्त एवं 8 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम होना है, मेडिकल ऑफिसर एवं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का। आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्या हम लोगों का एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में रहने वाला है, और अभी इतने कम टाइम में हम लोगों को किन टॉपिक की ओर फोकस करना चाहिए जिससे हम बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाए। तो सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यदि आप इसके डाउन में चलते हो तो यहां पर आप लोगों को क्लियरली मिल जाता है न्यूज का कॉलम, एंड यहां पर आप लोगों को जॉब का कॉलम मिलता है। तो यदि आप लोगों ने एडमिट कार्ड को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो दुर्गापुर स्टील प्लांट एडमिट कार्ड एग्जाम शेड्यूल की बात करें 7 अगस्त 2021 एंड 8 अगस्त 2021 को आप लोगों का एग्जाम होना है। सिंपल लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। राइट, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किस किस का एग्जाम है उसके बारे में, देन हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एंड यहां पर हम लोगों को दोनों चीजों को हम लोग देख लेंगे जिससे आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। यहां से मैं इस पीडीएफ की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएं आप लोगों की। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस क्या कुछ है। यदि हम नोटिस 1 की यहां पे बात करें तो इन्होंने क्या नोटिस एक्चुअल में दिया है उसको थोड़ा सा हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो नोटिस फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो कि आप लोगों का 7 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021 को होने वाला है। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा किन किन पोस्ट का एक्चुअल में आप लोगों का एग्जाम होना है। सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर, यहां पे डेंटल वालों का, जीडीएमओ वालों का, एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हाई प्रेशर वेल्डर वालों का, इलेक्ट्रीशियन, फिटर एंड मशीनिस्ट। यदि आप लोगों ने किसी भी ट्रेड में अप्लाई किया है तो इनका एक्चुअल में एग्जाम होने वाला है। एग्जैक्ट डेट एवं जो भी आप लोगों का शेड्यूल है, जो आप लोगों का एग्जाम सिटी सेंटर है, वो एडमिट कार्ड में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया, यहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां से गाइस आप लोग जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अब हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट का ये ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है। यहां पर इस एग्जाम पेपर में स्पेशल बात क्या होने वाली है आप लोगों के लिए, स्पेशल बात ये होने वाली है जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। जहां पर आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते थे, यहां पर ये लोग 5 ऑप्शन देंगे और 5 ऑप्शन में से आप लोगों को 1 ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है क्योंकि 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 1 ऑप्शन को चूज करना है जो आप लोगों को राइट लगता है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं। यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहने वाले हैं जिसके लिए सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। इन 100 क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 10 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग एबिलिटी से रहेंगे, 2 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेंगे, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, एंड 75 क्वेश्चन आप लोगों के प्रोफेशनल नॉलेज से रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होने वाला है, प्रोफेशनल नॉलेज आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि यदि आप लोगों ने फिटर ट्रेड से अप्लाई किया है, फिटर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में, तो आप लोगों के जो 75 क्वेश्चन होंगे आप लोगों की फिटर थ्योरी से पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों ने वेल्डर में अप्लाई किया है तो वेल्डर से पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को 120 मिनट का समय है, 100 क्वेश्चन है। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आप लोगों को कोई भी पेनल्टी नहीं देना होगा यदि आप लोग रॉन्ग आंसर करते हो। राइट, यहां पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि आप लोगों के जो ऑप्शन होंगे वह 5 ऑप्शन होंगे, इनमें 5 आंसर होंगे, उनमें से आप लोगों को 1 करेक्ट को चूज करना है। नीचे उन्होंने सैंपल क्वेश्चन भी दिए हैं। अब यदि हम लोग सैंपल क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने यहां पर क्लियरली बोला है कि जो सैंपल क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं यहां पर, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सेम लेवल के हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे या सेम क्वेश्चन पूछेंगे, ये ओनली सिंपल सैंपल के लिए हम लोगों ने आप लोगों को दिखाए हैं। जैसे कि यहां पर 1 क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन की यदि हम लोग बात करें, 1st ऑप्शन, 2nd ऑप्शन, 3rd ऑप्शन, 4th ऑप्शन और 5th ऑप्शन, इन 5 ऑप्शन में से आप लोगों को 1 ऑप्शन को चूज करना होगा। इसी प्रकार यहां पर जैसे कि ये रीजनिंग एबिलिटी के हैं, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के मिल जाते हैं, उसके अलावा आप लोगों के ये सारे कुछ सैंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो काफ़ी सिंपल है, आप लोगों ने सीबीटी एग्जाम काफ़ी दिए होंगे तो इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किस पार्ट के बारे में, प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में।
जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट आप लोगों का पार्ट क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि 75% क्वेश्चन इसी से पूछे जाने हैं। तो देखिए, यदि आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अभी तक करता आया है, वो ज्यादातर क्वेश्चन कहां से देता है, मेटल हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, स्टील का काम होता है वहां पर, तो डेफिनेटली उस टॉपिक को वो स्किप कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि उस टॉपिक को वो स्किप करे, वहां से वो क्वेश्चन देगा ही देगा। तो डीपर एंड डीपर यदि आप लोग मेटल चैप्टर को पढ़ के जा रहे हो तो आप लोगों के लिए एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वहां से ज्यादातर क्वेश्चन को वो दे सकता है, मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल के बारे में, अलग अलग जो मिश्र धातु है उसका क्या कॉम्बिनेशन है उसके बारे में, एंड हीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये दो टॉपिक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सेल एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए। बाकी यदि हम लोग बात करें लिमिट फिट एंड टॉलरेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है मशीनरी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देगा, डेफिनेटली देगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, तो वहां से उसको आप लोगों को कवर करना होगा, राइट। तो इन सब चीजों को आप लोगों को कवर करना है। हालांकि ऑलमोस्ट ट्रेड थ्योरी तो आप लोगों को टोटल कवर होना ही चाहिए, लेकिन स्पेशली इनके ऊपर फोकस थोड़ा सा करके जाइएगा, राइट। तो आशा करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके क्लियरली देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।